हेलो फ्रेंड, तो देखिए हमारे पास प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन चूल्हा रिपेयर होने के लिए आया हुआ है और कस्टमर का कहना है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, इसका स्विच काम नहीं कर रहा है। मतलब ये जो पावर स्विच है यहाँ से ये ऑन बिल्कुल नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर जो इसका स्विच का जो ऊपर का होता है जो प्लास्टिक यहाँ का टूट चुका है। तो हम आप लोगों को अभी चेक कराते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको सिरिंज पर हम देखिए इसको ऑन करते हैं तो लाइट इसमें आ चुका है। तो ये सारा स्विच देखिए, जो सबसे पहले हम पावर वाला देखेंगे यहाँ से, ये सारे स्विच प्लस माइनस देखिए ये भी काम नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो हम इसको अभी इसको खोलेंगे। खोलने से पहले फ़ोन को हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख लें और सीख लें। तो देखिए हम इसको अभी यहाँ से खोलते हैं। टोटल चार स्क्रू पे यहाँ से हम खोल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ से खोल लें इसको। इसको खोलने का तरीका सबसे बेस्ट है, इसको उल्टा करके इसका चारों स्क्रू खोलने के बाद देखिए आपने खोल दिया। अब ये जैक है, जैक को भी हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है। और रिमूव करने के बाद देखिए जो हमने पैनल को अब देखिए यहाँ से हम खोलेंगे। यहाँ पर टोटल 6 स्क्रू दिया हुआ है तो इसको हम खोल लेते हैं यहाँ से। हमने इसको यहाँ से खोल लिया। अब इसको अच्छे से साफ सफाई कर देते हैं। और यहाँ का जो स्विच था यहाँ का टूट चुका है जो प्लास्टिक का, देखिए ये प्लास्टिक को भी अभी यहाँ पर हम सेट करेंगे। सबसे पहले इसको हम सोल्डर की मदद से इसको अच्छे से बैठाएंगे। देखिए हम इसको सोल्डर की मदद से इसको अच्छे से बैठा दे रहे हैं स्विच को। स्विच को बैठाने के बाद इस पर थोड़ा सा हम ग्लू स्टिक गिराएंगे ताकि ये अच्छे से पकड़ ले और बाद में टूटे ना ये। तो इसको मजबूती कर रहे हैं हम इसको। आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको मजबूती कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसका होने के बाद तो हम इसका स्विच को भी चेंज करेंगे। देखिए ये स्विच जो है, स्विच को हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्विच इसका ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले हम सोल्डर की मदद से अभी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए सोल्डर की मदद से इसको हम निकालेंगे स्विच को बाहर। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसका स्विच है। स्विच को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसको जिसका जो रंगा है यहाँ से हम इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारा कुछ साफ सफाई कर दिया है। अब इसके बाद इसमें हम दूसरा स्विच लगाएंगे। तो इसको हमने अच्छे से साफ सफाई कर लिया है यहाँ पर। तो देखिए हम इसको अब दूसरा स्विच इसमें फिट करेंगे। ये वाला स्विच को हम इसमें फिट करेंगे। आप लोग भी घर बैठे ऐसे ठीक कर सकते हैं इंडक्शन। अगर इंडक्शन में पावर आ रहा है और ऑन नहीं होता तो सबसे पहले उसका स्विच चेंज करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि 80-90% इसका स्विच ही ख़राब होता है। क्योंकि ये हमेशा यूज होता है इसलिए इसका स्विच ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता है तो चेंज करना पड़ता है। तो हमने देखिए इसका स्विच को चेंज कर लिया है। अब पैनल को हम सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद इसको इसको लगा अच्छे से टाइट कर देंगे सारा। तो यहाँ पर हमने इसको टाइट कर दिया है अच्छे से, देख सकते हैं आप लोग। ये सारा यहाँ पर फिट हो गया है। फिट होने बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको हम अच्छे से ये वाला स्क्रू को भी टाइट कर देते हैं। हमने अभी 4 स्क्रू टाइट किया था, अब ये देखिए बाहर बाकी का स्क्रू भी हम टाइट कर रहे हैं यहाँ पर। प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन चूल्हा है। तो इसका सारा स्विच देखिए फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा टेप लगाते हैं स्विच के ऊपर, क्योंकि यहाँ का टूट चुका है तो हम इस पर टेप लगा देते हैं। देखिए इसका सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर टेप लगा देते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए।
हमने यहाँ पर टेप भी इसको अच्छे से लगा लिया है। सारा स्विच काम कर रहा है इसका। तो देख सकते हैं हमने इसका सारा काम कर लिया है। अब इसको वापस हम कॉइल पर इसका जो पीसीबी बोर्ड है इसमें सेट करते हैं इसको। फिर उसके बाद इसको ढकेंगे, इसको जैक को अच्छे से बैठा लेंगे हम। देखिए हम इसको अब पैक कर रहे हैं। ये टोटल 1900 वाट का है ये। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसका स्क्रू टाइट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ऑन हो रहा है। अब सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी रख के देखते हैं ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी हमने इसको स्विच पे दिया है पावर। अब इसको हम 220 वोल्ट पर देंगे, तब जाके ये पानी का गर्म होगा। तो देखिए हम यहाँ पर दे रहे हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अब ये ऑन हो गया है। सारा स्विच यहाँ से देखिए काम कर रहा है। देख सकते हैं 1100 वाट का पर अभी अच्छा चल रहा है। अभी ये 1100 वाट पर चल रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए 350 वाट हो गया, 700, 1100, ये देखिए 1500 वाट के आसपास ये देखिए अच्छा चल रहा है। और तो आप लोग देख सकते हैं ये पानी का गर्म होने लगा है यहाँ पर। पानी बिल्कुल सही गर्म हो रहा है। अब हमने सिर्फ इसका पावर और स्विच को चेंज किया है और देखिए पानी यहाँ पर गर्म होने लगा है और ये ऑफ ऑन भी हो रहा है फर्स्ट क्लास। अब ये इसका पावर स्विच है, देखिए यहाँ पर पानी में से धुआं नहीं निकलने लगा है सिर्फ 1 मिनट में। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। देखिए ये ऑफ हो गया है और ये ऑन हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है।